सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सबसे पहले तो भैया स्टे होम स्टे सेफ। अगर आईपीएल देखना चाहते हो तो भैया घर में बैठे रहो, सेफ रहोगे तो ही आईपीएल 2020 देख पाओगे। आज के वीडियो की बात करें तो यार आज की तारीख देखते हो अगर आप तो आज है 14 अप्रैल 2020 और आज के दिन इंडिया में लॉकडाउन भी खत्म होने वाला था और आज के दिन बीसीसीआई की एक बहुत अहम मीटिंग आईपीएल 2020 के ऊपर भी रखी गई थी। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन की, तो यार लॉकडाउन तो एक्सटेंड हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है और 3 मई 2020 तक यहां पर लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। और बात करते हैं अब आईपीएल की मीटिंग के बारे में, तो यार अभी तक तो यार मीटिंग के बारे में कुछ ऐसी ऑफिशियल खबरें निकलकर नहीं आई हैं। स्पेसिफिकली मीटिंग के बारे में अभी तक कुछ भी रिपोर्ट्स निकलकर नहीं आई हैं कि भाई मीटिंग हुई भी है कि नहीं भी हुई है। लेकिन आपको एक अपडेट आज के इस वीडियो में देने वाला हूं कि भैया आईपीएल 2020 हो चुका है पोस्टपोन्ड। यह ऑफिशियल खबर है, यह निकलकर आ चुकी है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सारे आर्टिकल्स की लिंक दे दूंगा। कुछ 3-4 बड़ी वेबसाइट्स है जिन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2020 हो चुका है पोस्टपोन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब यहां पर बात निकल कर आती है कि आईपीएल कब तक पोस्टपोन हुआ है, तो जितना लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है 3 मई तक यहां पर लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है तो उतना ही आईपीएल पोस्टपोन हुआ है। 3 मई तक आईपीएल भी पोस्टपोन कर दिया गया है और 3 मई के बाद बीसीसीआई फिर से वापस से देखने वाली है कि कंडीशन कैसी है, गवर्नमेंट से बातचीत करने वाली है और उसी के बाद आईपीएल के ऊपर फैसला लेने वाली है कि 3 मई के बाद हम आईपीएल कब, कैसे और कहां करवा सकते हैं। एक चीज यार अभी ही समझ लो, अगर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो ऑब्वियसली बात है यार जितना लॉकडाउन एक्सटेंड होते जाएगा सबसे पहले तो यार उतना आईपीएल भी आपको पोस्टपोन होते हुए दिख जाएगा, तो बार बार आईपीएल भी पोस्टपोन हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो यही खबर निकल कर आ रही है कि 3 मई तक आईपीएल पोस्टपोन हो चुका है। इसके बाद यार बात करते हैं कि अब आईपीएल हो कब सकता है, तो मई के महीने में तो यार ऑब्वियसली 101% आईपीएल नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं जून और जुलाई की, तो जून जुलाई में भी बहुत ज्यादा मुश्किल दिख रहा है आईपीएल होना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने का ट्रैवल बैन लगा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अभी इंडिया आ नहीं सकते जून और जुलाई में। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स सितंबर के बाद ही अवेलेबल होने वाले हैं, तो जून जुलाई में बिना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के आईपीएल अगर करवाना है तो करवा सकते हो। उसके बाद भी यार दूसरे बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, हो सकता है कि भाई बाकी बोर्ड्स भी मना कर दे फॉरेन प्लेयर्स भेजने के लिए, तो बहुत ज्यादा रिस्की उस टाइम भी रह सकता है। तो जून जुलाई भी मेरे को परफेक्ट टाइम नहीं दिख रहा आईपीएल 2020 के लिए। सबसे अच्छा टाइम जो रह सकता है वो होने वाला है सितंबर का महीना। सितंबर में एशिया कप है, आप एशिया कप पोस्टपोन करवा सकते हो या एशिया कप आप कैंसिल करवा सकते हो। बीसीसीआई के पास इतनी ताकत है, मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूं कि बीसीसीआई ऑलरेडी मना कर चुकी है कि हमको एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेलना और पाकिस्तान से अब एशिया कप हट भी चुका है। सो हो सकता है कि भाई इस साल एशिया कप नहीं हो और सितंबर के महीने में बीसीसीआई आईपीएल करवा सकती है ठीक टी20 वर्ल्ड कप से पहले, और बहुत सारे देश उसके लिए राजी है। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने यह बोल दिया है कि भैया टी20 वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल सबसे अच्छा मंच है प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लैंड के प्लेयर्स भी अवेलेबल रहने वाले हैं। सो सितंबर अच्छा महीना हो सकता है आईपीएल करवाने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको पहले के वीडियोस में बोला था कि जो टी20 वर्ल्ड कप है वो आगे अक्टूबर से पोस्टपोन हो सकता है। तो अगर टी20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन होता है तो सितंबर और अक्टूबर आपको 2 महीने मिल जाएंगे आईपीएल करवाने के लिए और आप वहां पर करवा सकते हो। तो यार अभी तो यार जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। अभी तो मेरे को नहीं लग रहा कि आगे आने वाले 2 या 3 महीने में आईपीएल आपको कहीं से भी होते हुए दिख सकता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। आपकी क्या राय और सुझाव है कि आईपीएल 2020 कब, कैसे, कहां होने चाहिए, कमेंट करके बिल्कुल से बता देना। आप क्या सोचते हो देखते हैं यार कमेंट में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। आई एम आर्ची जैन साइनिंग ऑफ, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बी सेफ बी हैप्पी और घर में रहो, घर से बाहर मत निकलो।